बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं मूंगफली की चिक्की बनाने वाली हूँ, जिसके लिए हमने हाफ बॉल मूंगफली लिया है और हाफ बॉल हमने गुड़ लिया है। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, इसे बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते हैं। जस्ट आप इसे गुड़ को मेल्ट करेंगे और ये बन जाएंगी। मूँगफली को हमने पहले से रोस्ट कर लिया है, आप इसे देख पा रहे होंगे इसके कलर। इसे हमने धीमी आँच पर आहिस्ता आहिस्ता रोस्ट किया है। इसे रोस्ट करने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। उसके बाद आप इसे ठंडा कर दें। ठंडा करने के बाद आप इसे हाथों से थोड़ा मसल लें। मसलने के बाद इसमें जो भी छिलके हैं उसे निकाल दें। तो ये देखिए, हमारी रोस्टेड बादाम जो है बिल्कुल तैयार है। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। ये आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। बनाने के लिए हमने कढ़ाई अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें गुड़ डाल दे रही हूँ। आप गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करें। आप इसे लो फ्लेम पर इस तरह से मेल्ट करते जाएं। ये देखिए, हमारे गुड़ जो है मेल्ट हो रहे हैं और गैस के फ्लेम बिल्कुल लो है। इसे अच्छे से मेल्ट होने के लिए मैं इसमें घी ऐड कर दे रही हूँ। मैं इसमें 2 स्पून घी ऐड की हूँ। इसे लगातार मैं चला रही हूँ। ये देखिए, हमारे गुड़ अभी भी मेल्ट हो रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कलर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारे गुड़ जो है अभी भी मेल्ट हो रहे हैं। ये देखिए, अभी भी हो रहे हैं। इसके काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुके हैं। जब तक मैं जिस बर्तन में निकालूंगी उस बर्तन को मैं ग्रीस कर ले रही हूँ। पहले मैं इस बर्तन में निकालूंगी, इस बर्तन को पहले मैं घी से ग्रीस कर ले रही हूँ अच्छे से। देखिए, हमारे गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। इसे मैं पहले चेक कर लेती हूँ। चेक करने के लिए मैं एक पानी में डालती हूँ। देखिए, इसे डालने के बाद मैं इसे देख रही हूँ हाथों से, तो ये इस तरह से मतलब एक स्टिकी है। अभी भी ये टूट नहीं रहे हैं, एक दूसरे से मतलब एक खिंचा रहे, मतलब ये टूट नहीं रहे हैं। तो मैं इसे फिर से अभी और करूँगी थोड़ा। देखिए, हमारे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं और कलर भी अच्छे आ चुके हैं। इसे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। चेक करने के लिए मैं एक पानी में डाल रही हूँ थोड़े से। ये देखिए, हमने जो पानी में डाला था वो आसानी से टूट रहे हैं। ये तो इसका मतलब है ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें मूँगफली ऐड कर दे रही हूँ। गैस के फ्लेम को मैं ऑफ कर दे रही हूँ। अब मैं इसे किसी बर्तन में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, हमने इसे ग्रीस किए बर्तन में निकाल लिया है। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब मैं इसे कट लगा लूँगी। ये देखिए, हमने इसे इस तरह से बर्तन में निकाल के फैला लिया है। बहुत अच्छे से ये ठंडे भी हो चुके हैं, अभी भी काफ़ी गर्म है। तो मैं अभी थोड़े थोड़े कट लगा ले रही हूँ इसकी। ये देखिए, हमने इसके कट लगा लिया। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब मैं किसी बर्तन में से निकाल लूँगी।
ये देखिए अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं हाथों से तोड़ती जा रही हूँ। ये देखिए हमने सारे को टुकड़े कर लिया है, अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए हमारे चिक्की बनके तैयार हो चुके हैं, आप इसे घर पे बना के ज़रूर एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।